देखो दोस्तों, मोबाइल से सिनेमाटोग्राफी अगर आप करते हो तो एक प्रॉपर सिनेमाटोग्राफी ऐप आपको जरूर चाहिए होगा, जिसके अंदर आप सारी कुछ चीजों को मैन्युअली कंट्रोल कर पाओ। क्योंकि फोन के सिस्टम कैमरा ऐप में एटलीस्ट वीडियो में तो इतने सारे कुछ फीचर्स होते नहीं है कि आप सारी कुछ चीजों को मैन्युअली कंट्रोल कर पाओ। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को टॉप बेस्ट सिनेमाटोग्राफी ऐप बताएंगे, जो कि अगर आप अपने फोन से सिनेमाटोग्राफी करते हो देन डेफिनेटली आपके फोन में होने चाहिए ये सारे एप्लीकेशंस। सभी एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, सभी फ्री जरूर नहीं है, पर कंप्लीटली फ्री है हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन, जो कि नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते हुए आप कर सकते हो। अब चलते हैं ऐप्स की तरफ, दिखाते हैं आपको पहला वाला एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम है प्रोटेक। जैसे इसके नाम में है प्रो, यानी कि आप कंप्लीटली प्रो मोड में अपने वीडियोस को शूट कर सकते हो। ISO, शटर स्पीड, फोकस और जूम का कंट्रोल करने के लिए रिंग आपको दोनों साइड में दिया जाता है। इसका यूजर इंटरफेस कुछ सुनेला लग रहा है ना? यस, फिल्मिक प्रो से इंस्पायर्ड है, बट इसके अंदर भी काफी सारे यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर है। जैसे इसका ये सिनेमेटिक लुक्स, जहां पर से आप सिनेमेटिक लुक्स को कैमरे के अंदर ही वीडियो में अप्लाई करते हुए वीडियो को एक सिनेमेटिक कलर ग्रेड दे सकते हो। अगर आप सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पर आपको नॉइज रिडक्शन, एज शार्पनिंग या फिर स्टेबलाइजेशन जैसा इंटरेस्टिंग और यूजफुल फीचर मिलता है। अगर आप चाहो तो कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर को कैमरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कोई गिम्बल हो गया या एनामॉर्फिक लेंस हो गया। इसके अलावा फोकस पिकिंग, एक्सपोजर पिकिंग, ऑडियो मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स तो आपको मिलता ही है। आप चाहो तो यहाँ पर से सिनेमेटिक वाइड स्क्रीन में अपने वीडियोज को शूट कर सकते हो। वाइड स्क्रीन मतलब ऐसे जो वीडियोज आप देखते हो उसमें ऊपर और नीचे की तरफ जो ब्लैक बर्स आते हैं वो आप कैमरे के अंदर ही अपने वीडियो में अप्लाई कर सकते हो। फ्रेमिंग के लिए अलग अलग गाइड मोड्स भी आपको मिल जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप इस ऐप को लैंडस्केप के साथ साथ वर्टिकल मोड में भी यूज कर सकते हो। सो इनकेस अगर आप शॉर्ट वीडियो शूट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। सो ओवरऑल ये जो ऐप है कंप्लीट मैनुअल कैमरा ऐप है। अगर आप अपने सारे सेटिंग्स को मैनुअली कंट्रोल करना पसंद करते हो देन डेफिनेटली ये ऐप आपको ट्राई करना चाहिए। प्रोटेक का यूजर इंटरफेस अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है या फिर इतने सारे कैमरा सेटिंग्स के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो सेकंड एप्लीकेशन है आपके लिए। ये एक बहुत ही सिंपल एंड इजी टू यूज ऐप है, खास करके जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए परफेक्ट एप्लीकेशन है ये। ऐप का नाम है सिनेमा एमवी 5 और ये बहुत दिनों से चलती हुई आ रहा है, तो आई एम श्योर इसके बारे में आपने सुने होंगे। ऐप के अंदर आपको सिर्फ लाइट, फोकस और वाइड बैलेंस के ऊपर कंट्रोल दिया जाता है। लाइट के लिए आपको यहाँ पर ISO और एक्सपोजर वैल्यू चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको लाइट मिररिंग मोड चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। फोकस के लिए अलग अलग तरीके का फोकस मोड आपको मिलता है, और यहाँ पर आपको मैनुअल फोकस भी मिलता है। तो डिस्प्ले में ऊपर या फिर नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए आप फोकस को पास यहाँ पर दूर लेकर के जा सकते हो, और यहाँ पर फोकस बहुत ही स्मूथली शिफ्ट करता है। और यहाँ पर वाइड बैलेंस के लिए अलग अलग प्रीसेट्स आपको मिलते हैं। यहाँ से आप वाइड स्क्रीन में वीडियो शूट कर सकते हो, ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर है। अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हो तो इसके बाकी सारे सेटिंग्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि जियो टैगिंग हो, एक्सटर्नल माइक्रोफोन कनेक्ट करना हो, ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ओवरऑल ये जो एप्लीकेशन है बहुत ही सिंपल एंड ईजी टू यूज है। अगर आप एक बिगिनर हो, सिनेमाटोग्राफी शुरू कर रहे हो, तो इसी वाले एप्लीकेशन से शुरू करिए। ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा सिंपल एंड इजी टू यूज है, बिगिनर्स के लिए परफेक्ट एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन हमारा थोड़ा सा मसालेदार है, क्योंकि इसमें हमें बहुत से इंटरेस्टिंग फिल्टर्स मिलते हैं। ऐप का नाम है सुपर 16 एंड ये बेसिकली एक विंटेज कैमरा ऐप है जो कि 16mm पर वीडियो शूट करता है। 16mm मतलब जो पुराने जमाने में वीडियो शूट होते थे उसी तरीके का वीडियो ये शूट करता है। उसके अलावा भी आप 16:9 या फिर वाइड स्क्रीन यानी कि सिनेमा फ्रेम में भी अपने वीडियोस को शूट कर सकते हो, बट 16mm वीडियो शूट करने के लिए ये ऐप परफेक्ट है। यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं, आप देख सकते हो कोडेक के जमाने के फिल्टर्स आपको मिलते हैं, जिसको कि आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कर्व टूल है, तो कर्व टूल की मदद से आप कैमरे के अंदर ही अपने वीडियो को कलर करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो को कलर ग्रेड करने के लिए कलर टेम्परेचर, टिंट, सैचुरेशन, ग्रीन या फिर क्रोमेटिक एब्रेशन, विनियट, ये सारे चीजें आपको यहाँ पर मिलता है जो कि आप कैमरे के अंदर ही अपने वीडियो में अप्लाई करते हुए अपने वीडियो को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक दे सकते हो। इसके अलावा भी आप यहाँ पर ISO और शटर स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज मेरे को दिखा, अगर मैं यहाँ पर जूम करता हूँ ना, तो जूम करने के बाद आप देखते हो जो पिक्चर है ना वो शेक कर रहा है। मतलब पुराने जमाने में जैसा होता था कि अगर कोई टेलीफोटो शॉट कैप्चर किया जाता था तो वीडियो क्लिप शेक करता था, बिकॉज उस जमाने में वीडियो स्टेबलाइजेशन अच्छी तरीके से काम नहीं करता था। तो वो सेम इफेक्ट ये वीडियो में अप्लाई कर रहा है। और ऐसा नहीं कि वीडियो को आपको इसी ऐप के अंदर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आप किसी और ऐप से कैप्चर किए गए वीडियो या फिर अपने कैमरे से भी कैप्चर किए गए वीडियो को इस ऐप के अंदर डालकर उसके ऊपर ये सारे इफेक्ट, ये सारे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो और अपने वीडियो को एक बहुत ही अमेजिंग विंटेज लुक दे सकते हो। सो अगर आपको विंटेज लुक पसंद है देन डेफिनेटली इस वाले ऐप को ट्राई कीजिएगा। सो दैट्स इट, यही तीन ऐप मेरे को आपको बताने थे। अभी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलरली आता रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।